मध्य प्रदेश के खंडवा में तेज बारिश के चलते कई घरों में पानी घुस गया। यही नज़ारा खंडवा के रेलवे स्टेशन चौराहे से लेकर तीन पुलिया तक का नज़ारा है, जो कि सड़कों पर पानी भर जाने से तालाब बन गया। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जिसके कारण तेज बारिश हुई और नाले की साफ सफाई नहीं होने के कारण घरों तक पानी घुस गया। वहीं दूसरा नज़ारा शिवाजी चौक का है, जहाँ पर ये हाल बेहाल हो गए। नाला और नालियों की सफाई नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी भरा गया। पानी भर जाने से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही, स्कूली बच्चों को भी निकलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। शहर में तेज बारिश होने के कारण शहर में जल स्तर बढ़ गया है, सड़कों पर पानी भरा गया, जिसके कारण कई दुकानें बंद हो गई है। दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया है, जिसके कारण दुकानदार बंद कर चले गए। सड़कों के ये हाल बेहाल हो गए। सड़कों पर पानी भर जाने से घरों तक पानी घुस गया। ये नज़ारा पड़ावा का है, जो कि घर में पानी घुस जाने से पति पत्नी दोनों पानी निकालते हुए नजर आ रहे। पड़ावा बैंक ऑफ इंडिया में भिंडिया के बाजू में पानी भर जाने से बुजुर्ग महिला काफ़ी परेशान हो रही है। घर के अंदर तक पानी भरा गया, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी जा रही है। कई बार नगर निगम में आवेदन और शिकायत की, जिसके बाद भी वहां पर साफ सफाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुशील कुमार पाला छह। क्या हुआ था? पानी जो ज्यादा आया था, नालियों का कारण नालियाँ चौक हो गई है और नालियाँ चौक होने के कारण घरों के अंदर पानी फिर रहा है। कब से हो रहा है ऐसा? ये कई सालों से हो रहा है। अभी तक नालियाँ साफ थी? नालियाँ साफ तो ही, लेकिन नालियाँ का जो बनना चाहिए थी कि आगे का जो एक पोर्शन का जो दूसरी की जो गली जाती है, वहाँ पर जो नाला बनने का विगत 10 सालों से नगर पालिका वाले कह रहे हैं कि 10 सालों से हम वो बनाएंगे, लेकिन अभी तक न तो बना है वो। और कमला नेहरू स्कूल के पास की जो नालियाँ हैं, वो नालियों को भी सुधारने के लिए कम से कम 10 या 15 बार हम कह चुके हैं। पूरा क्या नाम लिख दो? मेरा सुशील कुमार कृष्णराव पारा से। क्या है, पूरा बताइए क्या हो गया? बरसात आई, पानी भराया है और बरसात में नालियाँ साफ नहीं हुई थी, जिससे पानी क्या हुआ, अभी रोड तो आया नहीं, नाटक का पानी भराया है हमारे साथ। पूरा क्या नाम लिखते हैं आप? मालती पारा से। मालती पारा, हर साल भराता है कि अभी भराया है? हर साल ऐसे भराता है बाबा, हर साल भराता है। आप पानी फेंक फेंक के थक जाते हो? फेंक फेंक के थक जाते हैं हम लोग। तेज बारिश होने के कारण दुबे कॉलोनी क्षेत्र में भी सड़कों पर पानी भरा गया, जिसके कारण बच्चे सड़कों पर आ गए और नहाते हुए नजर आ रहे। दुबे कॉलोनी में नाले और नालियां सफाई नहीं होने के कारण भी सड़कों पर पानी आ गया। दूसरी जो पुलिया बनाई गई, वे पुलिया में भी पूरी तरीके से कचरा अटक रहा है, जिसके कारण सड़कों पर पानी घुस गया। पानी घुस जाने के कारण घरों में पानी भरा गया, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। गटर है कि नहीं, सब पूरी जमीन से साफ हो गई, उनमें डेढ़ डेढ़ फीट का गादा आया हुआ है, नहीं हो तो किसी को भेजो, सब पूरी टीम पहुंचाएंगे। पूरी बरसात निकल गई, अभी तक कोई टीम कुछ नहीं पहुंचाई। ये दुबे कॉलोनी के अंदर ये रोडों पे ऐसे तालाब बन गया, क्या है, कब से हो रहा है ऐसा, कब से क्या है? जितनी बार पानी, जरा सा पानी गिरेगा तब भी यही कंडीशन है, पूरे गटरे में फुल है, अभी नहीं हो तो अभी रेत निकाल देंगे। क्या नाम है आपका? हरिओम। क्या हुआ है? ये टेपर बनने से पानी पूरा रुक गया, आप स्वयं देखो ना भाई, हमको नहीं सबको तकलीफ है।
ये पुलिया के कारण भी पुलिया के कारण बोलना ये सबसे मेन है पुलिया कारण उसका। और क्या है कि आए दिन बच्चे नाले में भी कूद रहे हैं और सरासर क्या है कि कई दो जन तक मरते मरते बच भी गए तो ये मजा ले रहे हैं पुलिया का और घर के अंदर पानी भी जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम वर्मा, दुबे कॉलोनी में रहता हूँ। आपका नाम क्या है? संजय मराठा।